हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो टुडे इज डे 19 और आज लगा रहे हैं चेस्ट। अभी जिम आया हूँ, आज लेट हो गए, आज दोपहर को जिम आया हूँ मैं, तो अभी चेस्ट लगाएंगे। चेस्ट में आज पांच एक्सरसाइजेस करूंगा, बस पांच एक्सरसाइज, और चेस्ट में हैवी रखेंगे आज। लाइक पहले एक दो वार्म अप के सेट कंप्लीट करके दो वार्म अप सेट लगाऊंगा स्टार्टिंग में मैं, और उसके बाद फिर अपना हैवी रखेंगे। हैवी पे चार चार सेट सब में लगाएंगे, तो इसलिए करके चेस्ट कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद आज दूसरी मसल कोई भी नहीं लगा रहा मैं, चेस्ट और उसके बाद कार्डियो, बस ये दो चीजें करेंगे और उसके बाद चलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बेंच प्रेस हो गया अपना खत्म। बेंच प्रेस पे आज थोड़ा सा डिफरेंट किया। आज मैंने क्या किया, दो वार्म अप सेट लिए, दोनों साइड 10-10 केजी डाल के, तो वार्म अप सेट उनके लगाए दो। उसके बाद मैंने चार वर्किंग रखे हैं और वर्किंग में कॉन्स्टेंट वेट रखा है, लाइक अपने हैवी पे जाके, लाइक मैंने लगाया 80 केजी से मैंने चार सेट लगाए। रेपिटेशन बेशक कम निकल गया, लाइक मेरे रेपिटेशन निकले 6 से 8 रेपिटेशन निकले चारों में, लेकिन वेट कॉन्स्टेंट रहा, फॉर्म प्रॉपर रही। तो चार सेट उसके कम्प्लीट करके अब मशीन प्रेस लगाएंगे, और अब जितने भी वेट करेंगे हमारे मशीन मसल वार्म अप तो हो चुकी है, अब सारों में हैवी रखेंगे, और अगर थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएंगे, वरना कॉन्स्टेंट वेट पे लगेंगे। मशीन प्रेस भी अपने खत्म हो गए, उसके भी चार सेट लगाए, चारों मैंने 55 और 70 केजेस के लगाए हैं। अब डिक्लाइन बेंच लगाऊंगा, अपर जेस्ट होगी, अब लोअर के लगाऊंगा दो एक्सरसाइज, डिक्लाइन बेंच लगाऊंगा और दूसरा केबल लगाऊंगा, तो ये दो डिक्लाइन के लगा रहा हूँ। इसमें भी मैं 20 सेट से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखूंगा अगर ये ठीक रहा तो ठीक है, वरना फिर 5-5 केजेस और ऐड कर देंगे, 25 ईच लगा लेंगे। तो डिक्लाइन के भी मैं 3-4 सेट लगाऊंगा, 4 सेट सेम वेट, 8 से 10 रेपिटेशन ईच सेट, तो ये स्टार्ट करते हैं। इसके बाद केबल लगाएंगे।
भाई, डिक्लाइन बेंच भी हो गया अपने खत्म। अब नेक्स्ट है ये भी हमारी लोअर चेस्ट की रहेगी, ये भी लगाऊंगा मैं डिक्लाइन केबल। केबल में एक तो सामने ले जाते हैं वो नहीं करना, नीचे लेके आना और ये ऊपर जाने, जो लोअर चेस्ट आएगा ना वो इंक्लूड होगा इसमें। तो इसके भी चार सेट, चारों लगाऊंगा 20-25 kgs ईच, तो इसके लगाते हैं। और ये कंप्लीट करके फिर अगले एक्सरसाइज लगाएंगे, वो उसमें रखेंगे आपका पैक डेक, पैक डेक के साथ सुपर सेट में वो रखेंगे हम अपने कुछ। तो ये कंप्लीट करते हैं फिर चेस्ट का वर्कआउट खत्म करेंगे। डेक भी कंप्लीट हो गया, अब एक पुशअप बचे हैं लास्ट। पुशअप में दो सेट लगाऊंगा, दोनों अप टू फेलियर, जितने भी लगेंगे 10-20-30 जो भी लगेंगे हर सेट में, ये कंप्लीट करते हैं। इसका चेस्ट का वर्कआउट खत्म।